एसएन सेल्स एंड कंस्ट्रक्शन के ऑनरशिप और जिन्होंने आपको और हमको इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे हाथ में ला के दिया कंफर्टेबिलिटी के साथ कि आप इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ करते हैं तो इतना प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैं आप लोग सभी लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरियों को जस्ट बगल में पड़ा रख देंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। और हम हर्ष भाई के लिए, पवन जी के लिए और हमारे रविशंकर जी के लिए, तीनों तीनों के तीनों हमारे जो बॉस हैं, बॉस इन द सेंस कि इज अ बिजनेस पार्टनर, नॉट बॉस। हमको कोई वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए बॉसिज्म कर रहे हैं, लेकिन इज द पर्सन जो हमारे मेंटर हैं, जिनसे हम सीखते हैं। सिर्फ इनकम नहीं करते बल्कि बहुत सारे नॉलेज सीखते हैं जो कि बहुत कीमती होता है। पैसा आज कमाएंगे, कल कमाएंगे, फिर कमा लेंगे, ये सब नो क्या डेफिनेटली पैसा ऐसा चीज है जिसको आज कमाते हैं कल गवा भी सकते हैं और परसों फिर कमा सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव, यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी अगेन अगेन एंड अगेन। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दोबारा पैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉलेज और मनी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? पैसा या नॉलेज? है कि नहीं? पैसा बार बार कमाया जा सकता है लेकिन नॉलेज एक टाइम पे एक ही बार मिलता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है और वो बल्कि बाद में अपडेट होता है, यस और नो? तो जिसकी वजह से हम जो नॉलेज हासिल करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और जिसकी वजह से हमारी लाइफ रियल में चेंज होती है और करोड़ों रुपए कमाने के काबिल बनते हैं, उन तीनों लोगों के लिए मैं जोरदार तालियों से आप लोगों का रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजाना। आज ये बिजनेस उन लोगों के लिए रखा गया है इस मीटिंग को जो आज पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम मीटिंग, और ये प्रोजेक्ट है द्वारिकापुरम के नाम से, जिनको आप सभी जान रहे हैं, जिनका प्रमोशन चल रहा है कि द्वारिकापुरम के प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग आज इसकी बेसिक बातों को जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कैसे करना है, कैसे मिलेगा और क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं आपको, उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, उस वीडियो के साथ फिर हम उसके बाद फिर हम आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। न्यामन साहू जी हमारे मीडिया पार्टनर है और इन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर में प्रोजेक्ट रेडी करके हम सबके बीच रखा है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी अपने प्रमोशंस, अपने प्रोजेक्ट या किसी काम के लिए जरूरत पड़ता है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो थैंक यू, थैंक यू। आज का ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आपने देखा प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोग को? हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा सिर्फ, आप सुनेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल किसी भी टाइम क्वेश्चन माइंड में आता है, यू कैन आस्क एनी टाइम। तो जितने भी प्रकार के कस्टमर्स आपके पास आएंगे, हर एक कस्टमर को उनके बजट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। दोस्तों आज तक के जितने प्रोजेक्ट हमने किए और आपने देखे, सारे प्रोजेक्ट में क्या होता था कि रेट फिक्स होता था, वो कस्टमर के बजट में फिक्स बैठे या न बैठे, या तो हम उसे दे पाते थे या तो उसे हम नहीं दे पाते थे, ये सब ना। अलग अलग साइज के प्लॉट साइज आप देख रहे हैं, अगर किसी का बजट ऐसा है कि उसकी सैलरी अगर 20,000 भी अर्न करता है, 20,000 भी उसकी अगर सैलरी है, 10,000 भी अगर पैसा कट कर सकते हैं उसके सैलरी से, उसको भी आप घर दे सकते हैं। आज तक के जितने प्रोजेक्ट आप लोगों ने किए हैं सब 40 लाख, 45 लाख, जिसकी सैलरी 40,000, 50,000 एवं होती थी, उसको ही घर दे पाते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिसको हम 20,000 की सैलरी वाले को भी घर दे सकते हैं। तो आपके कॉन्टेक्ट में कोई सिंपल टीचर जो अभी अभी एडमिट हुआ हो, अभी अभी ज्वाइन हुआ हो किसी जॉब में, उसको भी आप ऑफर कर सकते हैं कि यू कैन बाय योर हाउस, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। जितने प्रोजेक्ट हमने देखे सब में जिसकी सैलरी 40-50 से ऊपर होती उनको ही घर दे पाते थे, छोटी सैलरी वाले को हमें मना ही करना पड़ता था, चाहते हैं देना, हम तो सेल करना है ना, पैसा तो किसी से भी आ जाए, जैसा नो, लेकिन वो दे नहीं पाते थे क्योंकि वो प्रोजेक्ट अलाउ नहीं करता था। लेकिन ये प्रोजेक्ट आप लोगों को बता दूं बहुत सुपर हीरो बनाने वाला है। पैसे तो आएंगे नो डाउट, लेकिन जो दुआएं मिलेंगी ना वो बहुत बड़ा मिलेगा। छोटी सैलरी वाले लोग किराया पटाते हैं कितने का, 5,000-6,000 किराया पटा रहे हैं, ये सर नो? यस, पटा रहे, नहीं पटा रहे? फैमिली दो ही रख, मतलब अपने घर में है, पति पत्नी और बच्चे हैं, और उस छोटे से फैमिली के लिए 5-7 हजार की रेंट पे करते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट में अगर हाउस लेते हैं तो 10,000 की सैलरी अगर वो डिडक्ट होता है, 20,000 अगर उसको इनकम है, तो 10,000 पे करके थोड़ा घर ले सकते हैं। सो इट्स अमेजिंग कि बहुत बढ़िया होने वाला है। इसमें प्लॉट साइज उनको मिलेगा लगभग 522 स्क्वायर फीट का मिनिमम जो साइज है, उससे बड़ा करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा।
और अगर वो हाउस कंस्ट्रक्शन लेते हैं 500 स्क्वायर फीट लगभग, तो आप उसको जो 14,51,000 में आप उसको दे सकते हैं, राइट? सो इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट बिजनेस लीडर मिस्टर रवि शेखर जी को. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड लॉट्स ऑफ क्लैपिंग फॉर मिस्टर रवि सर. हेलो. सबसे पहले तो मैं रोहित जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा वैल्यू दिया है यहाँ पे, और आप लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने लिए, खुद अपने लिए ही कुछ सीखने के लिए, कुछ कमाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं. रही बात इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग बात करने की, इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो 3 रोड है. एक सीधा रायपुर रोड से जोड़ती है, दूसरा चक्रभाटा रोड जो अपना जाता है उससे जोड़ती है, और तीसरा जो रोड है वो अपना वो बोदरी जो जाती है, बोदरी वाली जो लाइन है वो पीछे से जोड़ती है. ऐसा प्रोजेक्ट में आपने शायद ही कहीं देखा होगा जहाँ पर 3 रोड से पूरी कॉलोनी कनेक्ट होती है. इसमें हम लोग 2 रोड को ओपन कर रहे हैं. एक रोड जो बोदरी वाली जो लाइन रोड है ना, उसको अपन अभी फिलहाल क्लोज करके रखेंगे. अगर पीछे एक्सपेंशन करने का और उसमें प्रपोजल चल रहा है कि अगर पीछे एक्सपेंशन होता तो फिर आगे एक रोड और खोलेंगे उसमें. इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खासियत चीज़ ये है कि इसमें हम एक बहुत सुंदर टेम्पल का भी प्रोविज़न रखे हैं, और टेम्पल के आसपास में प्लॉट्स भी बहुत सारे हैं. तो कुछ लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि नहीं, हम गार्डन से लगा हुआ, मंदिर से लगा हुआ प्रॉपर्टी खरीदें, तो यहाँ पर अभी भी वो ऑप्शन ओपन है. और जैसे 1 BHK हम सेल करते हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को इसका मैं ऑफर बता दूँ. ऑफर किस तरह से होगा, ऑफर कितना एक्साइटिंग है आप देख सकते हैं. अभी आपने देखा होगा जिस सर का सर, थोड़ा ब्रीफ कर दूँ उसको. 1 BHK जो हाउस आप सेल करते हैं जिसमें 522 का प्लॉट मिलेगा, 500 का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसकी कीमत रखी गई है 14,51,000 रुपए. ये सारे प्राइजेस जो अभी आपके सामने दिखाए जा रहे हैं ये टेम्प्रेरी है, 10 प्लॉट की बुकिंग तक. 10 प्लॉट की बुकिंग के बाद इसके प्राइजेस अप कर दिए जाएंगे, हाई कर दिए जाएंगे. आर यू रेडी एंड एग्री? यस. सब लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, मुझे लगता है कोई सुन नहीं रहा. भाई एक बात समझिएगा, जो बाहर जानवर घूमते हैं और हम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस, व्हाट इज डिफरेंस? वो बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाते. और हम लोग बोल सकते हैं, अंतर है ना? और अगर हम लोग भी नहीं बोलेंगे तो मतलब क्या हुआ? मैं आपसे ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन जस्ट अब ये अपना परिवार है, अपनी टीम है, तो इस बात को समझाना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले तो बोलना है. यस सर. नो. यस. बोलना है, रिप्लाई करेंगे तो आपकी रिप्लाई से मैं आगे बढ़ने के लिए आगे जाता हूँ ना. यस सर. नो. यस सर. तो दोस्तों क्या है, 14,51,000 का हाउस का प्राइस है, जिसमें एक जो सबसे लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो सबसे स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट पे, उनके लिए आप अपने टीम पार्टनर से कंसल्ट कर लें कितना पैसा बन रहा है. लेकिन एक लगभग 40,000 रुपीज के आसपास का इनकम आपके लिए रखा गया है एक हाउस पे, 1 BHK पे 40,000 रुपीज. कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, है ना? क्योंकि अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा. मार्केट में जितने लोग हाउस पे परसेंटेज देते हैं उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको. तो अगर 14,51,000 का अभी का अगर हाउस सेल करते हैं तो एक हाउस पे 40,000 रुपीज का डायरेक्ट बेनिफिट आपको है, राइट? और अगर हम 2 BHK हाउस सेल करते हैं, 2 BHK जिसमें कि 1,300 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया होगा और वहां पे 950 का सुपर बिल्डर होगा, जिसकी कीमत 32,90,000 बताई गई है, उस प्रोजेक्ट को अगर आप सेल करते हैं तो 80,000 रुपीज, 82-1 लाख रुपीज के आसपास का आपको इनकम आएगा. ठीक है माय फ्रेंड? 1 लाख रुपए का इनकम एक हाउस में. शानदार है कि कस्टमर जो रियल कस्टमर है, जो लेने वाला है, जो सीरियस है, घर ढूंढ रहा है, वो घुमाने वाला नहीं है. अगर लेने वाला है तो जैसे प्रोजेक्ट में कदम रखेगा वो उसी टाइम पे उसको बुक कर लेगा. उसको इतना शानदार है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा नो. लेकिन आपको डायमंड रिंग मिल रहा है. वो डायमंड रिंग को, डायमंड रिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द मूवमेंट ऑफ द गिविंग द सिस्टम. वो जब मूवमेंट हम जब क्रिएट करेंगे अगले महीने के 19 तारीख को, सितंबर 19 को संडे के दिन पे शाम को इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे अगेन आपके पूरे कस्टमर्स के साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ में, और उस दिन लगभग
मुझे लगता है कि 100 150 200 लोग रहेंगे ऑडियंस में, और आप एक लाउड म्यूजिक के साथ में आप और आपकी पत्नी के साथ मिला करके, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये रिवॉर्ड को आपको दिया जाएगा पहनाने के लिए, एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट किया जाएगा, कैसा रहेगा? वो पल देखो, डायमंड रिंग आपने दिया होगा मे बी, या दे सकते हैं, इट्स नॉट बिग चैलेंज, लेकिन जो तरीका है देने का ना, जो मूवमेंट होगा ना, वो बहुत स्पेशल होगा, उससे आपकी फैमिली के दिल में एक बात जागेगी कि यस आई एम विद द राइट पर्सन विद राइट कंपनी विद राइट कंपनी ऑफ कोर्स, लेकिन आई विद द राइट पर्सन, ये एहसास होना जरूरी है, यस सर नो, यस सर, वो मिलेगा आपको यहां। नंबर 4, अगर आप 4 BHK हाउस सेल करते हैं तो आपको 10 ग्राम सोने का जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है 10 ग्राम का, वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सेम सिस्टम पे, सेम फंक्शन पे 15 सितंबर को ऑफर रिवॉर्ड क्लोज होगा और 19 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इमीडिएट। कैसा रहेगा साथियों? वंडरफुल। हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं और जो हम कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे सेल्स एंड कंस्ट्रक्शन का नींव रखी गई और एक काम हुआ। इसी कार्यक्रम में चलते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं द्वारिकापुरम को लेकर। द्वारिकापुरम का प्रोजेक्ट हमको राजेंद्र सर, रवि सर के द्वारा हमको मिला है। इस प्रोजेक्ट में हमारा रोल क्या है? इस प्रोजेक्ट में हमारा रोल है, हम सब का रोल है, हमको इस प्रोजेक्ट को 100% सेल करना है, और वो भी जो टाइम दिया गया उससे पहले। ये हमारा चैलेंज है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम सब उसी चीज द्वारा करके दिखाएंगे, और रवि सर का और राजेंद्र सर का सपोर्ट रहेगा। डेवलपमेंट उनके हाथ में है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मकान बनाना और बेचना हमारा है, कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर की क्या कमिटमेंट है वो सब हम पूरा करेंगे, उनके जो भी नीड्स रहेंगी वो हमारा लुकआउट रहेगा मकान को लेकर। बाकी डेवलपमेंट और कॉलोनी के बारे में डिटेल्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पता चली गया होगा। अगर कोई डाउट हो मन में, जैसे सर ने एक क्वेश्चन किया कि रोड को कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 TNC किए हैं, 5 TNC कर चुका हूँ, तो कैसे TNC की फाइल्स फाइनल स्टेज पे लाई जाती है, एक एक डिपार्टमेंट से खुद अपने दम पे ना आया, एक एक बारीक से बारीक चीजों को हम जानते हैं, हर एक चीज को, कोई भी अगर मन में डाउट हो उस चीज हम बैठे हैं, हम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी TNC प्रोजेक्ट जब आता है ना, तो उसके अंदर का डेवलपमेंट तो 100% वो तो मिलता ही है। उसके बाद भी आज के डेट में एक बॉडी आई है, हम सुना रेरा, आप सभी रेरा का नाम जानते होंगे, ठीक है, तो रेरा के अकॉर्डिंग में तो 100% ये कंफर्म हो गया कि वो प्रोजेक्ट तो पूरा हो गई, पर एक उसकी एक टाइम लिमिट होती है। आप लोग सेल करेंगे क्योंकि आप लोग मार्केट में सामने रहते हैं, कस्टमर के सामने आप रहते हैं, तो मैंने बहुत चीजें देखी हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को लुभाने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ ऐसे कमिटमेंट कर जाते हैं जो रियल में होते नहीं है, और बाद में ये सब प्रॉब्लम आती है, और मेरे साथ जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर वो टेबल पर मेरे बैठ जाता है तो मैं झूठ नहीं बोल पाता, मेरे साथ ये दिक्कत हो जाती है कि मैं हर चीज A to Z 1 डे में क्लियर कर देता हूँ, जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सर ने पूछा रोड कौन बनाएगा, सर ने जवाब भी दिया, रोड तो सर ने डेवलप कर दी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, उसकी खूबी बता देता हूँ। एक्चुअल में वो जो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट कटा है वो रायपुर के एक बहुत बड़े बिल्डर जिसका नाम है दावड़ा, दावड़ा जी ने उस प्रोजेक्ट को काटा था। वहां पर 5,000 square feet से नीचे कोई प्लॉट नहीं कटा होगा, जो आगे में आपने रोड के अगल बगल देखा होगा, वो बोदरी नगर पंचायत के अंदर में आता है। एक्चुअल में वो नगर पंचायत बोदरी के अंदर ही रोड आएगी, और हाई कोर्ट के जजेस ने लोगों ने वो वहाँ पर काफी लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 से 10,000 से नीचे वहाँ पर कोई प्लाट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि उस रोड की
उस रोड को कब बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि द्वारिकापुरम जब भी रोड बनाएगा वो द्वारिकापुरम अपनी कॉलोनी के अंदर का ही रोड बनाएगा। सामने की रोड जो होगी वो पिचिंग होगी, लेवल होते जाएगी, रोड नहीं बनेगी। रोड जो बनेगी वो नगर पंचायत बना के, बाकी रही बात अलग है कि कल हम सोचेंगे वो अलग लुकआउट, लेकिन द्वारिकापुरम पर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है कि वो रोड को सीसी रोड बना के देगा। क्लियर? वो नगर पंचायत बोदरी के अंदर ही रहेगा, और बोदरी के अंदर रहने के बाद दूसरा चीज मैंने बोला कि उसके आसपास में हाई प्रोफाइल लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। बहुत ही जल्द वहां पर एक बंगला बन रहा होगा, जज साहब का, हमारे जज साहब है उनका बन रहा है, उनके द्वारा मेरे को खबर मिली है कि वो रोड बहुत जल्दी नगर पंचायत बोदरी के हक में वो बन जाएगी, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फाल्स कमिटमेंट फर्स्ट डे से आज तक ना मैंने दिया है, ना मैं किसी अपने एडवाइजर को बोलता हूँ कि आप फाल्स कमिटमेंट कीजिए। फर्स्ट डे से अगर हम अपने क्लाइंट को हर चीज सच सच बता के चलेंगे ना, तो वो हमारे लिए मील का पत्थर होता है। वही हमको सही चीज बता के ला के देता है कि भैया इस आदमी से लो, उसने तो पहले जैसा क्लियर कर दी। आज हम कमिटमेंट कर देंगे कि द्वारिकापुरम रोड बना के देगी, कल द्वारिकापुरम रोड नहीं बनाएगी तो आप हमको कमिटमेंट बोलने आ जाओगे कि इन्होंने फाल्स कमिटमेंट किया था, ये रोड भी हमारी है। तो वो रोड हमारी नहीं है, वो गवर्नमेंट की रोड है और गवर्नमेंट ही डेवलप करेगी। हाँ, हमारे काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो हम उसको बीच बीच में रिपेयर करते रहेंगे। ये अलग लुक आउट है जो कि अभी रिपेयर कर दी गई है, ठीक है? तो ये इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है सर। और बाकी तो हमारे मार्केटिंग की प्लानिंग सर बताते ही हैं। रही बात की पेमेंट शेड्यूल हमारा कैसा रहता है, हेल्प के रूप में तो हम लोग करते करते हैं, बाकी जिस दिन हमारी रजिस्ट्री होती है प्लॉट का पैसा क्लाइंट का अगर पूरा क्लियर होता है, ओके, प्लॉट का पैसा अगर क्लाइंट का पूरा क्लियर हो जाता है तो उस दिन प्लॉट का पैसा आपका भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके, उसमें एक दिन भी आगे ना पीछे होगा, ठीक, वो आप उस दिन क्लियर करें। और रही बात हाउस का, अब हाउस की बात आएगी तो इसमें क्या दिक्कत आएगी कि आप भी जान रहे होंगे कि पूरे पैसे प्लॉट के मतलब पेमेंट मिलता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मिलता है, ठीक है? तो क्लिप का पैसा जैसे हमारा लीज होता है, जैसे कि रोहित सर ने बुलाया, तो उस समय हम मकान का पैसा भी क्लियर कर देंगे। मेरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसका ओनर सीओ है, तो आगे का प्रेजेंटेशन मेरे भाई जी देंगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम विकास लहर है और हम दोनों भाई हैं, और हम लोग का विजन यही रहता है कि सर ने जैसे बताया कि हम कोई भी प्रॉपर्टी रहता है उसको जल्दी से सेल करें, जिससे खुद को भी बेनिफिट होता है और कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है कि उसको ऑन टाइम जो उनका कॉलोनी होता है डेवलप करके मिल जाता है, राइट सर? सबका ये विजन होना चाहिए कि आप कोई भी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा प्रॉपर्टी सेल करें वही आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा। हम भी इस जो प्रॉपर्टी है अपना द्वारिकापुरम टीएनसी प्रोजेक्ट है, उसको जब हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मेरा और मेरे भाई का रिएक्शन था कि क्या शानदार प्रोजेक्ट है, हाई कोर्ट के जस्ट सामने है, और हमारा और इनका टारगेट है कि कम से कम 90% जेवीरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड उसमें का बेच देंगे इस साल के एंड तक, करीब 5 महीने आसपास बचा है। तो ये हम खुद अपने आप को चैलेंज दिए हैं कि उसमें के 90% खुद हम खुद सेल करेंगे, और अभी बोला जाए कि हम कितना साइट विजिट कराते हैं हर महीना, हमारी करीब 5 से 6 लोगों की टीम है लेकिन 50 से 60 साइट विजिट हम लोग हर महीने कराते हैं। और हमारी कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, हमने जस्ट अभी 2020 में दिसंबर में रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन काम रियल इस्टेट में हमने जून से स्टार्ट किया है, तो हमारे भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं। और ये जो टीएनसी प्रोजेक्ट है द्वारिकापुरम में, तो हम भी चाहते हैं कि इसमें ना अपना खुद के छाप देके जाए, जिससे लोग हमें भी मार्केट में जाने, जेवीरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कोई कंपनी है जो ऐसे सेल्स के साथ काम करती है और कोई भी प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया से सेल करती है, जैसे कि सर ने बोला है ओवर कमिट नहीं। तो हमारा भी ये है कि भाई कस्टमर को जो होता है ना कड़वा लगे लेकिन सच बोल दो, बाद में उनको यह एहसास ना हो भाई कि मक्खन मार गया हमें बेच के चला गया, तो कभी यह फील ना हो किसी को भी। और आप लोग भी किसी को ऐसा ना करें कि भाई ओवर कमिट करके कि सामने वाला रोड द्वारिकापुरम बना के देंगे, सर ने बहुत बढ़िया बोला कि मुझे अच्छा लगा, ये एकदम कट और क्लियर होना चाहिए आपका भी विजन। अगर आप लोग भी बहुत बढ़िया काम करना चाहते हो ना, आपका विजन एकदम क्लियर एक कट होना चाहिए, कस्टमर को जो सही है भाई बता दो, कस्टमर को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप मक्खन मार के बोल रहे हो। मक्खन इसलिए रिपीट करता हूँ कि लोग आदत होता है, अरे सर करा देंगे ना, क्या दिक्कत है, अपनी कॉलोनी है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। कॉलोनी अपने अंदर का जो होता है ना, रोड नाली बिजली पानी क्या शानदार डेवलप करके देंगे, टीएनसी प्रोजेक्ट है तो टीएनसी प्रोजेक्ट में कैसा हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसे हम उसको सेल करेंगे, ये खुद में टीएनसी बोलते ही ना आपको ना एकदम सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। मैं ऐसे कोई कॉलोनी में काम नहीं करता भाई, टीएनसी रेरा अप्रूव कंपनी में जो कॉलोनी होता है इसमें काम करता हूँ,
तो आपको बेचने में मजा आएगा, सर लोग को पे आउट देने में मजा आएगा, और जितना जल्दी सेल करेंगे और भी मजा आएगा कि भाई ऐसे सेल्स के साथ साथ आपके नाम भी जुड़ते जाएगा। थैंक यू और बहुत कुछ है सर बोलने के, नेक्स्ट टाइम में अचीव करेंगे बोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस एक्साइटमेंट, जोरदार तालियां विकास सर और इस सिलसिले में आगे हमारे बीच और बिजनेस एसोसिएट हमारे बीच उपलब्ध हैं। इतने में 5 साल में 20 बिल्डर्स हैं हम लोग आमने सामने वर्क किया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना भूमिका बांधा अभी जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज है, 20 बिल्डर से मैं जो अभी भी मेरे कम से कम 7-8 बिल्डर से दोस्ती आई है, घरेलू संबंध है। मेरे छोटे वाले भाई के शादी में लोग भी आते हैं और हर भाई भी आए थे। 4 राड में कालम खड़े देखा हूं मैं, और जो घर बनाते यदि कोई देख लेगा ईमानदारी से बता नहीं सो पाएगा वो, इतना घटिया क्वालिटी का घर बना है। क्या जो ये भी पूछवाया था उस आदमी से, हमारे राजा अकबर जी से छोटे हैं मेरे, इसलिए बोल रहे वो कुछ दिन बाद ऐसे हो जाता है, ऐसे मतलब ऐसे होना चाहिए ऐसे हो जाता है, कौन सो पाएगा भैया। अब मैं हर्ष भाई से, घर मेरा बना है सौरभ मिनट में, हर्ष भाई के चीज बहुत अच्छा है। हर्ष भाई रात को फोन करें उठाते नहीं, उठा लिया हर्ष भाई ये ऐसा कर लेते, हाँ मैं अपने इंजीनियर से बात करता हूँ कर लेता। वो ज्यादा नहीं ना भैया, अभी तक मैं 5 साल का सुधार किया हूँ, इनका मैं 50-60 हजार इसका बजाऊंगा मेरे को लगता है। और ये हाँ बोले नहीं बोले, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हर्ष भाई के ऊपर आंख बंद करके आप लोग विश्वास कर सकते हैं। पहले जो आपसे मुलाकात हुई थी भोजी मेरी से, अभी मेरे को समझ में आता है कि भगवान कहां कहां किस आदमी को कैसे कैसे मिला देगा और आदमी कब तरक्की कर लेगा। बिछवाए तो हम लोग 3-4 फार्म घर है अभी, लेकिन अभी लेटेस्ट एक और घर बिछवाए वहीं पर। तो हम लोग ये मान के चलो कि ये मान के चलते हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही घर बिछवाए हैं अभी। हर्ष भाई भी कल ही मेरे को मुलाकात हुई थी, अब उसमें चिंता मंत्र अपन कर देंगे। हम एक शब्द नहीं बोले हर्ष भाई को, भैया हमको कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमको ये मालूम है कि मिलेगा खत्म बात, बाकी ये क्या नहीं कहते। तो ये हमारा सफर रहा 5 साल के इनके साथ और इनके साथ बहुत अच्छा रहा। और मेरे 2 बच्चे हैं जो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं जहाँ जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे 2 हैं कहीं छोड़ने का जगह नहीं है, तो साथ ही आते जाते हैं और मेहनत करते हैं खूब, पवन भाई जानते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, अपनी सामर्थ्य को कभी मत भूलिए। मैंने जो सीखा लाइफ अपनी सामर्थ्य को कभी मत भूलिए। तो बेचे या ना बेचे मैं बेच दूंगा, मैं महीने में 4 से 5 बेच लूंगा। अभी मेरे 15 लाख अर्निंग हाथ में खड़े हैं, 15 लाख रुपए अर्निंग है। और आप समझ सकते हो कि मतलब 15 लाख रुपए थोड़ा नहीं होता है, 15 लाख मतलब मायने रखता है। और 1.5 महीने में मेरे वो जो 15 लाख क्या होता है ना सर, लाइफ में वो ना एक चीज मैंने सीखी, कठिन परिस्थिति में किया गया काम या मेहनत वही अचीवमेंट। विपरीत परिस्थिति में जो एक एक दिन बिताया बिस्तर में ना, वो मेरे लिए तड़प थी। मेरे को लगता था मैं कितना जल्दी बाहर निकलूं, फील्ड को देखूं, लोगों को देखूं। जब मैंने देखा ना, तो पहली बार देखा तो मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे, जब 1.5 साल बाद घर से निकला 1 साल 3 महीने बाद, अजीब सा लगा मेरे को। लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं हो गया, अकेले जा जाके फील्डों को देखना, सब करना, गाड़ी में इवन मेरा 6-7 लाख रुपए खर्च हो चुका था ऑलरेडी ऑपरेशन वगैरह का, लेकिन नहीं मैंने हार नहीं मानी। मैं जो गाड़ी चलाता हूँ उसमें 9 का एवरेज है, 10 का एवरेज है क्वालिटी। एक चीज़ और मैंने सीखी लाइफ में, आप अपने खर्चे बढ़ाओ, आप 10 रुपये 5 रुपये की चाय मत पियो। आज भी मैं, जब मैं आज से 10 साल पहले भी 50 रुपए की चाय पीता था, आज 100 रुपए की चाय। कहने का मतलब ये है कि आप ना, आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है। आप कभी भी छोटा मत सोचो, आज तक लाइफ में पान ठेले में नहीं खड़ा हुआ, खड़ा होगा तो हमारे से 10 गुना आगे रहेगा, तो खड़े होंगे। अकेले ही चलना पसंद करूंगा, अकेले में वो दम है सर, अकेले में जो ताकत होती है बोलने नहीं सीखी। अकेले में आज अकेले के दम पे 15 है ना, जो साइड में आता है बोनस है, उनके लिए काम करता हूँ, मैं अपने लिए काम नहीं करता। मेरा ये है कि यार उनका हो जाए, मैं तो कमा ही रहा हूँ, अकेले 4-5 की जब क्वालिटी में रख रहा हूँ उसमें। और एक चीज़ और है, लाइफ में
आप कितने भी एडवाइजर रख लो, कितना भी बड़ा ऑफिस खोल लो, अगर आपने एक चीज नहीं सीखी लाइफ में तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। जैसे आप दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बना लो, अगर आपको उसका प्रेजेंटेशन नहीं आता उसको डस्टबिन में डालो। अगर मेरा सही उत्तर आया एनालिसिस इज द मेन थिंग ऑफ एनी सक्सेस। अगर जब तक आप कस्टमर का एनालिसिस नहीं करोगे न्यूट्रल प्लेस में बैठ के, आज मेरे प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं मालूम है? मैं पूरा नहीं मानेगा मेरी बात को, मैं किसी भी बिल्डर का दीवाना नहीं हूँ, मैं मेरे लिए कस्टमर भगवान हूँ। मैं क्या करता हूँ सर, न्यूट्रल प्लेस में बैठता हूँ, मेरा 1000 जा रहा 2000 जा रहा नथिंग मेरे लिए मायने करता। मैं क्या करता हूँ वहाँ पे बैठ के न्यूट्रल प्लेस में एनालिसिस करता हूँ और उसको वही चीज पे जाता हूँ जो पसंद करता है। उसके बाद आफ्टर दैट मैं विद इन माइक्रो सेकंड में डिसाइड कर लेता हूँ कि इसको क्या देना चाहिए, फिर मैं जाके फोकस करता हूँ। बिल्डर्स क्या चाहेगा, मेरी चार चीजें चार को बेचे पांचवा मत दे इसको, अदरवाइज कोई भी बिल्डर्स नहीं लेंगे मेरी बात को। मैं एक सेल्समैन हूँ और मेरा काम है बेचना, और कस्टमर मेरे लिए भगवान है, उसका एनालिसिस करना है, उसको पहनाना नहीं है, उसको सर्विस देना है, हमको उससे अगला रेफरेंस लेना है और उसके उसको सर्विस मिलेगी और समय के अनुसार बदलाव जैसा वो चाह रहा है तभी हमारी अचीवमेंट होगी और सक्सेस होगी। हमको सेकेंडरी मैटर है ना, जैसे आप अभी आए एक सार आए थे बात कर रहे थे, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में है ना, छनते छनते उनको एक बंदे सही टकराए तो जाके उनके काम बने। अगर पता चला हर चीज भी सही नहीं टकराते तो वहाँ स्ट्रगल करते रह जाते सर, जो अभी चर्चा कर रहे थे है ना। तो एनालिसिस कस्टमर तो बहुत ही जरूरी है और लाइफ में चार पांच चीजें होना चाहिए। आप काम के प्रति 100% ईमानदार रहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, कस्टमर को लिसनिंग प्रोसेस होना चाहिए आपके अंदर, मतलब लिसनिंग प्रोसेस आप जितना ज्यादा उसको सुन सकते हो, नेगेटिव आंसर आपके पास नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका आई सेट, देखिए नॉलेज आपका अगर है तो सर चढ़ के बोलेगा, नॉलेज नहीं है तो आप फेलियर हो जाओगे, कस्टमर आपसे ज्यादा होते हैं। नॉलेज आपका सर चढ़ के बोलो, आँख मिला के बात करो, आँख आपकी तब की कस्टमर टक्का।